तो सबसे पहले हमने आलू को मैश कर लेना है, ग्रेट कर लेना है आलू को। और उसके बाद अच्छे से आलू को ग्रेट करने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें मसाले ऐड करने हैं थोड़े ऑनियन, थोड़ा सा अगर आप ग्रीन चिल्ली आपको पसंद है तो हरी मिर्च भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं पसंद। और इसके बाद हम मसाले डालेंगे। मसाले में आप अपना नमक अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर मैं थोड़ा डाल रहा हूँ अच्छी क्वांटिटी में, ताकि मसाले का अच्छा अच्छा टेस्ट आए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया है। तो ब्लैक पेपर थोड़ा सा क्रश्ड जो ब्लैक पेपर होता है उसको ऐड कर सकते हैं आप। और थोड़ी सी रेड चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली यहाँ पे ऐड नहीं की है। और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है, ताकि जीरा का थोड़ा स्वाद आए अच्छा से, भुना हुआ जीरा का पाउडर है ये। उसके बाद अच्छे से मैश करना है। अच्छे से मैश करने के बाद हमने अपना नॉर्मल आटा लगा लेना है, जैसे कि हम नॉर्मली आटा लगाते हो घर पे, जैसे गूंथते हैं नॉर्मल। मैंने जैसे ही गूंद के रखा है आटा, तो ऐसे ही जैसे घर पे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हो सेम गूंद लेना है आपको। और इसका हम सबसे पहले पेड़ा बनाएंगे। तो नॉर्मल आटा है, तो तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद अब हम अपना आलू का पराठा रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इसको फैला के इसके अंदर हम आलू की स्टफिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको बेल लेते हैं, ताकि ये बड़ा हो जाए तो आलू की स्टफिंग करने में आसानी रहे। तो अब इसके अंदर देखिए, मैं अच्छे से, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा आलू का पराठा जो है वो फट जाता है इधर उधर। तो देखिए, मैं ठूस ठूस के इसमें भर रहा हूँ। देखिए, और ठूस के भर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा आलू भर दिया। अब इसमें देखिए कि एक इसको अच्छे से ऊपर से जॉइंट लगा के अच्छे से बंद कर देना है, ताकि ये ऊपर से बिल्कुल भी ना खुले। अच्छे से इसको करना है। और उसके बाद एक में पराठ आलू के पराठे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको जो सूखा सा आटा होता है, जो सूखा आटा होता है, उसको बहुत अच्छे से आपने लगाना है। नहीं तो फिर अच्छे से ना लगाया तो आपका पराठा जो है वो फटेगा। और इसको अच्छे से लगाने के बाद हाथ से जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा अच्छे से आप ऐसे दबा के बढ़ा सकते हो, आप बढ़ा लीजिए। लेकिन हाँ, इसमें बेलने का स्टाइल भी थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उस टाइप से नहीं बेलना, जैसे मैं बेल रहा हूँ। देखो, एक बार बेलन को आगे लेके जाना है, एक बार पीछे लेके आना है। उसके बाद हाथ से पराठे को घुमाना है बेलन से। कभी भी जैसे रोटी हम घुमाते हैं, बेलन से घूमने लगती है चारों तरफ अपने आप, पराठे को घुमाने की कोशिश मत कीजिए बेलन से, नहीं तो वो फटने लग जाएगा। क्योंकि बेलन से जब घुमाओगे तो उसका जो आलू है वो भी घूमेगा साथ में, और उसी में वो चिपकने लग जाएगा, तो फटने लग जाएगा। देखिए, मैंने प्याज थोड़ा मोटा मोटा काट दिया था, तो प्याज थोड़ा सा दिख रहा है। इसकी वजह से हो सकता है हमारे पराठे में थोड़ा बहुत छेद हो जाए, लेकिन इससे कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से फूलेगा हमारा पराठा, क्योंकि फूला हुआ अच्छा पराठा लगता है। तो अब मैं तवे में डाल देता हूँ। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए, मतलब नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर रखना है आपने। अब इसके बाद अच्छे से आपने सेक लेना है। एक बार पलटाने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा घी, बटर, डालडा, जो भी आप खाते हो वो लगा लेना है। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल और बटर दोनों मिक्स है इसमें, तो वही मैं लगा रहा हूँ। तो इसको आपने दोनों तरफ से घुमा फिरा के अच्छे से सेक लेना है। और ऐसे सेकने के बाद आपका कुछ पराठा अच्छे से, मतलब इतना ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे बिल्कुल फूला फूला बन जाएगा। देखिए, पराठा लगता नहीं था कि फूल जाएगा, लेकिन फूल गया ये हमारा पराठा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फट भी गया था बीच में।